दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के माध्यम से मांग की गई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल को सभी आपराधिक मामलों में असाधारण रूप से अंतरिम जमानत देने का काम किया जाए। वहीं इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट ऊंचे पद पर बैठे शख्स के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत देने का काम नहीं कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के माध्यम से मांग की गई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल को सभी आपराधिक मामलों में असाधारण रूप से अंतरिम जमानत देने का काम किया जाए। वहीं इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट ऊंचे पद पर बैठे शख्स के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत देने का काम नहीं कर सकती है।